नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के अगले आर्मी चीफ होंगे। 30 अप्रैल को सेना प्रमुख एमएम नरवड़े के रिटायरमेंट के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे पदभार संभालेंगे। वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में एमएम नरवड़े को चुना जा सकता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश की सुरक्षा का जिम्मा अब नए सेना प्रमुख के हाथों में होगा। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवड़े की जगह लेने वाले लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख बनने वाले पहले इंजीनियर होंगे। जनरल मनोज पांडे की नियुक्ति को लेकर केंद्र की ओर से अब हरी झंडी मिल गई है। 30 अप्रैल को मौजूदा आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवड़े के रिटायरमेंट के बाद भारतीय सेना की कमान सौंपी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को इसी साल जनवरी में वॉइस चीफ ऑफ आर्मी चुना गया था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे आर्मी चीफ एमएम नरवणे के बाद थल सेना में सबसे वरिष्ठ अफसर हैं। उधर बात करें देश के वर्तमान सेना प्रमुख एमएम नरवणे की, तो जानकारी के मुताबिक उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के खाली पड़े पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दरअसल दिसंबर 2021 में चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ पर रहे जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसके बाद से ये पद खाली पड़ा है। साल 1982 में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन्ड रैंकिंग दी गई थी। उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर डिफेंस सेक्टर में एक खास जगह बनाई। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया। उन्होंने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में खास योगदान दिया। रक्षा क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने सेना में 39 सालों के अपने बेहतरीन करियर में कई चुनौतीपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया है। यही वजह है कि उन्हें देश का अगला आर्मी चीफ बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।